टूर गाइड लॉन्ग मार्च का गाना गा रही है। वो यूडा दरिया के किनारे पर है जहां से चीन के कम्युनिस्ट ने अक्टूबर 1934 में लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को लॉन्ग मार्च के बारे में क्या मालूम है? 12 साल लिन का कहना है कि रेड आर्मी के दो दुश्मन थे। सरकारी तौर पर तारीखी किताबों में कहा जाता था कि कम्युनिस्ट शुमाल की जानिब जापानियों से लड़ने गए, मगर तारीखदान अब मुत्तफिक हैं कि वो असल में नेशनलिस्ट से भाग रहे थे। लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाले 98 साल ल्यू जाची का ख्याल है कि कम्युनिस्ट के लिए 1949 में इकतदार में आने के बाद लॉन्ग मार्च सबसे अहम वाक्या है। ल्यू चीन के साबिक सदर जियांग जमेन और मुस्तकबिल के मतवक्के सदर से भी मुलाकात कर चुके हैं। सन 2008 में उन्होंने ओलंपिक मशाल भी उठाई थी। लॉन्ग मार्च के दौरान दरिया अक्सर रुकावट होते थे। दरियाई यांग के ऊपर ये यादगार उस वाक़े की याद में बनाई गई जहां लड़ाई में कम्युनिस्ट फौज के 90,000 में से दो तिहाई फौजी हलाक हो गए थे। एक और दरिया वू था जिसे अबूर करने के लिए रेड आर्मी ने बांस की कश्तियां बनाई। सरकारी तारीखी किताबों के मुताबिक माओजेतुंग ने जुनयी के मुकाम पर एक इजलास के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की क्यादत संभाली थी। इसके बाद रेड आर्मी ने दरियाए चिशुई को 4 बार दोनों तरफ पार किया। माओ की फौज ने दारू रिवर को 2 बार पार किया जहां उनकी मशहूर जंग हुई थी। अब बर्फ से ढके इन पहाड़ों में से 4,000 किलोमीटर लंबी सड़क गुजरती है जिसकी वजह से इनसे गुजरना 75 साल पहले की निस्बत आज ज्यादा आसान है। मई के महीने में भी इन पर बर्फ होती है, मगर मुकामी लोगों का कहना है कि माओ के ज़माने में कहीं ज़्यादा बर्फ होती थी, अब मौसमी तब्दीलियों के बायस कम होती है। और घास के नीचे दलदल एक और कुदरती रुकावट। जैसे जैसे रेड आर्मी शमाल और मशरक की तरफ बढ़ती गई, जमीन खुश्क और मटियाली होती गई। गानसू और निंगशिया के इलाकों में मसाजिद की मौजूदगी वहां हुई मुसलमानों की आबादी को जाहिर करती है जिन्होंने नेशनलिस्ट के साथ मिलकर कम्युनिस्ट के लिए मुश्किलात पैदा की थी। बुशी में सयाह उस गार का दौरा कर सकते हैं जहाँ माओजेतुंग ने 11 रोज तक क्याम किया था और जहाँ उनकी फौज ने अक्टूबर 1935 में लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया था। इसका दरवाज़ा बंद होता है, मगर सयाह टूटी खिड़की से अंदर झांक सकते हैं। एक मुकामी शहरी मार्च में दरपेश मुश्किलात बयान करते हैं। उनके पास ना तो कपड़े थे और ना जूते। वो काफ़ी मुश्किल वक्त था और उनकी हालत काबिले तरस भी थी। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चीन पर काबिज होना काफ़ी मुश्किल था। चीन के कम्युनिस्टों के लिए लॉन्ग मार्च की कामयाबी की वजह से 1949 में अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखना मुमकिन हुआ। 60 साल बाद अब कम्युनिस्ट हुकूमत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत की निगरानी कर रही है। स्टेफनी हो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।